फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में, और नए साल सन 2024 के पहले व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो नए साल में भाई सुबह सुबह हम लोग थोड़ा सा जल्दी ही उठे हैं। प्रीति तो देखो नहा के भी आ ली, तैयार होने लग रही। आरुषि भी जल्दी जाग गई। आरुषि ने जाग के सबसे पहले हाथ मुँह धो के कान्हा जी को भी जगा दिया। इतना काम तो आरुषि भी कर दे, समझदार हो रही भाई आरुषि भी। आरुषि हाथ धो लेते बेटा, इधर देख के बताओ। हाँ जी हाँ जी। और रात को सुलाए भी आरुषि नहीं थे ना, और ये मोर पंख इनके पास रखती है आरुषि, और सर्दियों वाले कपड़े पहना रखे भाई कान्हा जी को। शॉल भी उड़ा दिया आरुषि ने तो, कान्हा जी को ठंड ना लगे भाई, और खुद भी बढ़िया गर्म कपड़े पहन रखे, टप्पा ओढ़ रखा है बेटा। सर्दी से बच के रहना, बस पानी उतारना, जर्सी नहीं उतारनी है। गुड मॉर्निंग सिमरन, हैप्पी न्यू ईयर सिमरन। थैंक यू। नींद में अभी सिमरन। तू क्या कर रही है? तो प्रीति भाई, प्रीति और आरुषि जल्दी उठ गए थे। राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले प्रीति ही नहाई है, और नहाने से पहले और भी कई सारे काम कर लिए। चूल्हे से राख निकाल ली और चूल्हा लीप दिया, चूल्हा जलाने की तैयारी चलेगी अब। और पिताजी ने भी अपने काम निपटा रखे, पानी रख रखा बच्चों के नहाने के लिए, और पशुओं की देखभाल कर रहे। इधर खड़ की अंडी है हमारी, पशुओं को कुछ खड़ डालेंगे शायद चारे पर उनके। चलो नवे साल का आशीर्वाद ले लूँ पिताजी से भी। पिताजी सारे आशीर्वाद दिए पिताजी ने, तो भगवान तुम्हें खाने नहाने को देवे, थारी मनोकामना पूरी करे। और चलो माँ जी के पास, माँ जी के पास चलते हैं। माँ जी हमारी एक बार उठी थी चाय बनाने के लिए, लेकिन फिर से लेट गई भाई। हाँ तो माँ नमस्ते। नमस्ते माँ जी, जीत रहो। ठंड लगी दिख रहा है, चिंकी नु कह रही मुझे भी आशीर्वाद दे देना साल का। ए अब्बू चिंकी, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ ठीक है माँ, टाइम तो बहुत रहा, पर जड्डा भी तो बारह बहुत है, इतनी जल्दी उठ के क्या करना। गुड्डू गुड्डू हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू चाचा जी, सेम टू यू। तो यहाँ माँ जी के पास प्रीति को और आरुषि को छींक आ रही है, ठंड लगी दिख उन्हें बाहर निकल के। तो माँ जी के पास तो यहाँ चिंकी सोरी और सिमरन सोरी थी, वो भी यहाँ सोए, और आरुषि सोई थी हमारे पास। सिमरन बाहर आ गई उठ के, माँ हमारे पास ही सोए यहाँ से, और नंदिनी सोए अपने बड़े पापा के पास। चलो नंदिनी के पास चल रहे भाई, जैकेट पहन लो पहले। सिमरन ऊपर जा कर सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा हूँ ना यार। सफेद सी सेंटा क्लॉज की है। और आरुषि ने जगा तो दिए थे कान्हा जी को, प्रीति कान्हा जी को नहला होगी, पानी ले भाई नहला के दूसरे कपड़े बनाओगे तैयार करेंगे, और प्रीति करेगी पूजा। चलो तब तक हम ऊपर चल रहे छत पे। गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर बोल गाऊंगे सबको। लो भाई जगाइए उन्हें, संता बंता की जोड़ी चल रही। तो कैसे हो रहे या जाग रहे अभी? टाइम तो हो रहा जागने का ही, पर जड्डा है बारह लिखड़ता नहीं कोई अभी। अरे मुझे तो नहीं लगे सो रहे सब। कैसे जगा रही अपने पापा को? गुड मॉर्निंग तो बोल रहे है, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। घुस गिर जाइए अपने पापा के पास ही। और नंदनी है सॉरी, मोटे सारे कपड़े फिरा रखे भाई से, क्योंकि ये ना रजाई नहीं ओढ़ती। ले भाई थोड़ी सी ढक दो इसे भी रजाई में। आरुष बेटा गुड मॉर्निंग, मुंह निकाल के बोलो बारे। गुड मॉर्निंग नंदू, गुड मॉर्निंग नंदू बेटा, गुड मॉर्निंग। सोना भी सोचा 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 सोचा, कोई बात नहीं सोना भी, चार अड्डो में तो बाहर नहीं निकलना चाहिए जल्दी। अच्छा फोन देख लगी, नए साल की तारीख देख रही है। हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा पापा जी को, बोल दिया
इसलिए आए थे ये ऊपर बैठी सिमरन एक लैपटॉप के सामने और दूसरे के सामने वो बैठी, वहाँ से कुर्सी पर से कपड़े उठा के इधर रख दिए, जगह कर ली। अब देखो जन्म भाई ऑफिस में बैठ गए अपने काम पे हैं। लेवन कर लिया अलग अलग सिस्टम अपना दोनों ने। गिर ना जाइए यार उसी, आवाज कम करो। हे बब्बू दोनों आवाज कम करो, लीड लगा लो। हाँ क्या कह रही थी नंदनी, नंदनी क्या कह रही थी भाई, फिर से कही हो, क्या कह रहे हैं आप भैया? है भैया पापा जी। कौन है तेरे पापा जी? हाँ। मैं सो है तो सुनील पापा के पास है। गुड मॉर्निंग कर लो पापा को, ऐसे नहीं रगड़ते अंकों को, ऐसे नहीं रगड़ो। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा। तो फ्रेंड्स बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ शुरुआत करते हैं नए साल की, और सुबह सुबह नहा धो के पूजा करेंगे भाई, बुराइयों को छोड़ देंगे और अच्छे अच्छे काम शुरू करेंगे नए साल में, पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना। प्रीति को पढ़ाना भी शुरू करा था नए साल, नए साल से पढ़ाई करनी, DLED में एडमिशन है, क्लास भी करवानी और घर पर भी कुछ पढ़ाऊंगा जब तक मेरी छुट्टियाँ हैं। बहुत सारे लोग संकल्प ले गए ना कि नए साल से पढ़ना शुरू करेंगे, सोमवार से शुरू करेंगे, अगले हफ्ते से करेंगे, तो वे सब चीज़ें एक साथ कॉम्बिनेशन बन गई, नया साल सोमवार अगला हफ्ता सब एक साथ आई। तो जो भी शुरुआत करनी किसी नए काम की भाई, किसी को एक्सरसाइज करनी वजन घटाना, या पढ़ाई शुरू करनी, कंपटीशन की तैयारी करनी, कुछ भी करना जो भी है, तो नए साल में अच्छे काम करने के संकल्प ले होंगे सब। हम भी यही कह रहे हैं कि नए साल में अच्छे अच्छे काम करेंगे भाई, हम तो देखिए एक्सरसाइज करेंगे, अपना शरीर फिट करेंगे और भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि भगवान ने तो रोटी का साधन तो दे रखा, अब तो भगवान अब तो शरीर को स्वस्थ रखे और भगवान का भजन सुमिरन करते हुए परिवार में सुख शांति रहे, बस यही मांगे परमात्मा से, भगवान के भजन ध्यान में लगे हुए अच्छे कर्मों को करते रहे हम सब लोग। बच्चे पार्टी के लिए भी कह रहे थे न्यू ईयर की पार्टी, पिज्ज़ा कह रहे थे, तो देखेंगे शाम के टाइम बच्चों को पिज्ज़ा विज्जा कुछ खिलवा के लाऊंगे, या तो खिला के लाऊंगे या ला के खिलाऊंगे, ठंड बहुत है बाहर जाने का तो मौसम है नहीं, मैं सोचा है कि कोई चीज़ यहीं ला के खिला देंगे, क्योंकि बाहर का मौसम देखो भाई, सूरज तो दिन भर निकलता नहीं, बादल सर है, हालांकि कोहरा नहीं है एक दो दिन से, नहीं तो वो कोहरा तो और बुरा हुआ है, रास्ते में ट्रैफिक में चलने में बड़ी परेशानी हुई आदमियों को। तो खैर शीतलहर है, इससे बचने के लिए तो आदमी घर में छुपा रहे हैं, और जो निकले भी तो कपड़े वपड़े पहन के निकल लो, कोहरे से तो बढ़िया यही ठंड वाला मौसम है, और सर्दियों में तो सर्दी होगी भाई, ठंड होना भी ज़रूरी है क्योंकि गेहूं की फसल इस ठंड से ही हो गए, और गर्मी का मौसम उतना बढ़िया नहीं होता सर्दी का मौसम, कम से कम गर्मी से तो बढ़िया ज़्यादा कपड़े पहन लो, ठंड नहीं लगती, बढ़िया मौसम है, खाना पीना सब चीज़ें बढ़िया रहे हैं सर्दियों में। बच्चे तो कल शाम को ही मांग रहे थे पिज्ज़ा, चिंकी आज होगी पिज्ज़ा पार्टी, सोगी फिर से आज होगी वो पिज्जा पार्टी, चल सो जाता गुड्डू, गुड्डू भी सो रही है अभी नहीं बताते, चलो जड्डा तो वही का जड्डा भी ला के देना पड़ेगा इन्हें तो पिज्जा। ले पापा जी। हाँ जी। ले लेते नमकीन नहीं था तेरे, बैठ के खा रहे, बैठ के खा रहे, क्यों लेट के खाने से क्या होगा? खस्सी खस्सी, चलो तो बैठ जा, नाक लेटर जा, नाक बह जा, तो चलो बैठ के खाऊंगे भाई, बैठ लो, अरे जुकाम हो जा फिर। ओहो गुड्डू और नंदनी छुपम छुपाई खेल रहे, कहाँ छुप रही देखो, स्टोर रूम में बैग के पीछे बैग के, टाइम दो टाइम दो टाइम दे, यहाँ गर्दन नीचे को कर लेना फिर नहीं पता चलने का कहाँ है यार, ये लो छुप गई, रुक जा रुक जा रुक जा नंदू इसके अंदर लो, ना 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 बिल्कुल ही दबेगी क्या सब वजन में, छुप जा नीचे ऊपर लगा दो, वैसे पता नहीं चल रहा किसी को भी कहाँ है नंदनी, पता तो नहीं चल रहा है गुड्डू, नंदी रुको इसका आर उसी का आप अपना बैग, अरे नंदू यहाँ से छुपने का आइडिया किसने दिया था आपको, ये भाई कैसे छुपेगी बेटा। हाँ जी। आप स्कूल में भी तो नहीं बोलते हो? हाँ,
अच्छा? कुछ भी नहीं करती जब तो क्लास में भी तो नहीं बोल लो आप और वे कुछ भी नहीं करती जब मैं उन्हें अपना खाना खिला दूँ लंच में। अच्छा रिश्वत दे रहे हैं पापा जी? हाँ जी। वे ना जब वो तुच्छ नहीं लाती ना वे जब वे तुच्छ नहीं लाती मेरे पे तो खाना वे अरे ना मुझे प्यार करे अरे जब मैं उन्हें खाना दे दूँ तो मैडम तो अपना खाना लेके आती हैं अपना लंच बॉक्स अपना खाएं आप झूठ ना बोल लो। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही पूछ लिया ठीक है आपका जब स्कूल खुलेगा तब पूछूंगा जाके। हाँ। मारती नहीं मैडम तेरे नुको इतनी की बोल ले तू कम बोल लगा पूछियो क्या पूछू पूछियो ये तब थाना खिलावे तब थाना नहीं लगते और अब मैं डर अपना भी लेकर आया करो और नंदिनी के लिए भी लेकर आया करो नंदिनी का खाना मैं खा करो नंदिनी को खिला करो और है खिला मैं। अच्छा यानी कि मैडम के साथ शेयर करके खाओ आप खाना अपना खाना उन्हें खिलाओ। आज मन ने तो कुछ करा नहीं नंदिनी कह रही थी आपकी मम्मी ने आज कुछ नहीं करा क्या क्या होता मेरे नंदो सेफ एंड कूल पापा जी मैंने तो ये सुरक्षित और अच्छा हो गया और कभी अब जब मैं छोटे छोटे वंतु पे आदिम ठीक है तो कर लो। हाँ चुपचाप करो थोड़ा धीरे बोल लग रहा ओके।